अथवाले आपका 3 मिनट। चेयरमैन सर, अथवाले जी आपका 3 मिनट है। हाँ, 3 मिनट मेरे तरफ से, 2 मिनट आपके तरफ से ही। क्या बोला, समझ रहे? नहीं ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा इज्जत करता हूँ, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि मैं 3 बार उधर के हाउस में रहा हूँ, अभी आपका अनुभव ले रहा हूँ मैं। और मतलब यहाँ होम डिपार्टमेंट पर चर्चा चल रही है, तो एक तो होम डिपार्टमेंट राजनाथ सिंह जैसे एक मजबूत आदमी के पास ये डिपार्टमेंट मिला है, और देश के 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है। जिस तरह 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है, उस तरह उधर के लोगों को भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है। सब लोगों की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी अपने पर है। मैं तो सुझाव देना चाहता हूँ, दलित समाज पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बना, और तब सभी पार्लियामेंट के, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पार्टी के मेंबरों ने दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे इसके लिए मान्यता दी, और एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना है। तो मुझे लगता है भाई, ये एक्ट जो ये किसी पर अन्याय करने के लिए तय नहीं है, दलित और सवर्णों को नज़दीक लाने के लिए एक्ट है। तो उसके अमल बजावन जो हमारे महाराष्ट्र में अभी एट्रोसिटी लगाते हैं तो एंटी शिफ्ट पे बेल मिलता है। मतलब उसका ऐसा था कि भाई अगर ये कानून लगता है तो कम से कम 1.5-2 महीना दलित समाज, आदिवासी समाज पर अत्याचार होता है तो 2-2.5 महीना तक, 3 महीना तक बिल नहीं मिलता था। इसी लोग थोड़ा डरते थे कि भाई इनके साथ मैं कुछ करूँ तो मुझे 3 महीना अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन अभी उनको एंटी शिफ्ट पे बेल मिलता है। तो इसीलिए राजनाथ सिंह साहब से मेरा कहना है कि भाई इसका थोड़ा सा रिव्यू करे, और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई गलत आदमी पर वो केस नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जो असल में गांव तो अच्छा होता है सर, गांव पूरा अच्छा होता है, लेकिन 8-10 लोग ऐसे होते हैं कि गांव को बदनाम करते हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि उसका थोड़ा रिव्यू करे, और गांव में एक शांतता समिति, दलित सुरक्षा समिति का भी निर्माण, दलित आदिवासी सुरक्षा समिति का भी निर्माण होना चाहिए। एक जिले में एक एडिशनल SP की पोस्ट हो कि जो दलित आदिवासी और महिलाओं के अत्याचार की जो घटनाएं है वो मतलब हैंडल करे, और हर पुलिस स्टेशन में 4-5 पुलिस ऐसे रखे, 1 PSI और 4-5 पुलिस। कि बहुत बार ऐसा होता है सर कि बहुत बार दलित समाज के लोग अप्लीकेशन देते पुलिस थाने में, लेकिन वो एक बार अप्लीकेशन देते हमारे ऊपर हमला होने की संभावना है, दूसरी बार देते, तीसरी बार देते हैं, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी तक हमला हुआ नहीं तो हमारे पास काहे के लिए आते। अरे वो बोलते हैं भाई हमला कल होने की संभावना है, तो इसीलिए अगर उनके पास पुलिस भी नहीं होते, गाड़ी भी नहीं होती, तो इसीलिए दलित प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से एक व्यवस्था अगर होती है तो प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब कल जो अत्याचार होने के पहले अगर उनको आप अरेस्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हमला होता नहीं। तो इसीलिए डेप्यूटी चेयरमैन सर, इसका भी विचार करना चाहिए। देश में मतलब नक्सलवादी मूवमेंट बहुत ज़्यादा, नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रही है, तो नक्सलवादी लोगों को मेरा कहना ये कि तुम्हारी भावना से हम सहमत है, तुम्हारी मांग है कि भाई ये ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये तुम्हारी मांगों का हम पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मार्ग आपने अपनाया है वो मार्ग से, हिंसा के मार्ग से आपको, आपका अंतिम लक्ष्य आपको मिलने वाला था नहीं है। मतलब आप एक को मारेंगे, एक जमींदार को मारेंगे, उसका बेटा उधर ही वो तो थोड़ा ही जमीन छोड़ने वाला है, एक कारखानदार को मारेंगे तो उसका कारखाना है। तो इसीलिए अगर आपको ये लोगों को न्याय देना चाहते हैं तो आप लोकतंत्र में हमारे साथ आइए, कंधे को कंधा मिलाकर हम यहाँ संघर्ष करेंगे, आप चुनाव लड़िए और चुनकर आइए, सत्ता तो ले लो। मतलब जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने और ये लोगों ने सत्ता ले ली है वैसे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन तुम हमारे साथ आओगे तो सत्ता मिलेगी, उधर जाओगे तो हार जाओगे। और इसीलिए मतलब हारने के लिए नहीं है, मगर आप मेन सी में आए तो आप, इसीलिए सर मेरा कहना इतना ही है कि नक्सलवादियों को मेरा आह्वान है कि हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग बहुत बड़ा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर जी इस पर भी विचार करें, और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो अगली बार आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए मैं इधर ही मैं रुकने का प्रयत्न करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ और आप भी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। जय भीम, थैंक यू, धन्यवाद।